जो शराब कांड की घटना हुई थी उसमें सरकार मुंह चुरा रही कि किनके दबाव में यह काम हो रहा है, क्यों पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। बिना पोस्टमार्टम के सरकार ने उसको जलवा दिया है। सरकार भाग क्यों रही है, सरकार किस दबाव में सच को छुपाना चाहती है। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से डेटा आया है और इसके मुताबिक सारण में 42 नहीं बल्कि 77 लोगों की शराब पीने की वजह से मौत हो गई। ये मामला 3 महीने पुराना है, लेकिन इस बारे में रिपोर्ट बीते दिन बुधवार को आया, जिसके बाद विधान परिषद में इस बात को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि समाचार पत्रों से ये मालूम हुआ है कि सारण का जो मामला है इसमें 32 लोगों के शव को सरकार बिना पोस्टमार्टम के जला दी, और इसके बारे में अब सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर किसके दबाव में सरकार इन सभी शवों को बिना पोस्टमार्टम के जला दी है। और इसी मुद्दे के साथ बीजेपी MLC संजय मयूख सवाल लेकर आए हैं और विधान परिषद में इस सवाल को पूछा गया है। संजय मयूख ये सब कहते हुए नजर आए। संजय मयूख ने कहा कि सरकार अपना चेहरा छिपा रही है, सरकार को अब इसका जवाब देना होगा। आप सुनिए कि संजय मयूख क्या कुछ कहते नजर आए। इतनी बड़ी घटना हुई थी, जो शराब कांड की घटना हुई थी उसमें सरकार मुंह चुरा रही है, सरकार मुंह छिपा रही है। जिस तरह से समाचार माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें 3200 को छिपाने का मामला है, मतलब बिना पोस्टमार्टम के सरकार ने उसको जलवा दिया है। मुआवजे और पिछड़ों और अति पिछड़ों के सहयोग में सरकार क्यों कदम पीछे हटा रही है, सरकार भाग क्यों रही है, सरकार किस दबाव में सच को छुपाना चाहती है। इन्हीं सवालों को हमने बिहार विधान परिषद में रखा है और सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग की है कि किनके दबाव में यह काम हो रहा है, क्यों पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। ये अपराध नहीं, ये जुर्म है और हत्या है, इसलिए सरकार इस पर स्पष्ट वक्तव्य दे। थैंक यू। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।